हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नवप्रीत। और आज का वीडियो होने वाला है थोड़ा सा एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेटिव उन लोगों के लिए जो कि तैयारी कर रहे हैं एक एग्ज़ाम की। तो क्या एग्ज़ाम है मैं बता देती हूँ आपको। तो मैं बात कर रही हूँ IELTS की, जो कि है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। एक एग्ज़ाम है उन लोगों के लिए जो कि तैयारी कर रहे हैं किसी और इंटरनेशनल और फर्दर कंट्री में अपनी स्टडीज़ करने के लिए, और वर्किंग वीज़ा जो लेना चाहते हैं उनके लिए पर्टिकुलर एग्ज़ाम है। सो दिस एग्ज़ाम इज़ फॉर पीपल हु वांटेड टू स्टडीज़ और दे वांट टू वर्क इन एनी फर्दर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री। सो इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के होते हैं हमारे फोर मॉड्यूल्स की अगर हम बात कर लें तो पर्टिकुलरली स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये फोर पार्ट्स में होता है। पहला मॉड्यूल होता है स्पीकिंग हमारा, जिस जैसे कि नेम इम्प्लाइज है स्पीकिंग। तो स्पीकिंग में क्या होता है, आप होते हो दे, इट इज़ पर्टिकुलरली द वन एंड वन कन्वर्सेशन बिटवीन यू एंड एग्जामिनर। सो एग्जामिनर हो गया, स्टूडेंट्स हो गया, इसमें होती है वन एंड वन कन्वर्सेशन। 20 मिनट्स का होता है ये पर्टिकुलरली। इसमें आपसे क्वेश्चन जो है एग्जामिनर पूछ सकता है 15 से 30 के बीच में। स्टार्टिंग में होते हैं पहले वार्म अप क्वेश्चंस, लगभग 8 वार्म अप क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद होता है एक क्यू कार्ड, और उसके बाद आपसे फिर बाद में दोबारा से 8 से 10 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये जो होता है ये अलग दिन होता है, 20 मिनट्स का होता है। 15 से 30 क्वेश्चन होते हैं इसमें एग्जामिनर और स्टूडेंट के बीच में स्पीकिंग होती है। जनरल स्पीकिंग होती है तो इतनी कोई डरने वाली बात नहीं होती है। एग्जामिनर की बात करें तो एग्जामिनर आपका फॉरनर भी हो सकता है एज वेल एज इंडियन, साउथ इंडियन हो सकता है। नेक्स्ट एग्ज़ाम है हमारे ये तीनों एग्ज़ाम जो हैं ये हैं पेन एंड पेंसिल बेस्ड। सो दीज एग्ज़ाम्स आर बेसिकली रिटन बेस्ड। पहला जो होता है ये एक ही दिन होते हैं, एक हॉल में होते हैं। तीनों चीज़ें लगभग 3 घंटे की होती हैं, तो आपको 3 घंटे एक ही जगह पे बैठना है। नो वॉशरूम, नो पी, नथिंग, नो वाटर, आपको उसी जगह बैठे रहना है। अगर आपने गर्दन घुमाई, बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में, गर्दन घुमाई तो आपका पासपोर्ट ले लिया जा सकता है आपसे, और आपका रिजल्ट भी फिर नहीं आपका आउट होगा। तो ये तो कुछ रूल्स हो गए। तो वापस आते हैं टॉपिक पे। लिसनिंग में जो है उसमें आपको एक हेडफोन प्रोवाइड किया जाता है। इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में होते हैं 40 क्वेश्चंस। 40 क्वेश्चंस के अलावा ये होता है 40 मिनट्स का एक रिकॉर्डिंग चलती है। रिकॉर्डिंग किसी एक ही टॉपिक पे नहीं होती है, टॉपिक बदलते रहते हैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन और सेक्शन बाय सेक्शन। 4 सेक्शन होते हैं इसमें, एक सेक्शन में 10 क्वेश्चंस होते हैं, और लेवल बाय लेवल हार्ड होते जाते हैं वो क्वेश्चंस। क्वेश्चन की बात करें तो वो हो सकते हैं मैचिंग, फिलअप्स, ट्रू फॉल्स, यस नो, मैच द हेडिंग, MCQs, और भी काफ़ी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। पिक्चर, कोई डायग्राम दिया होता है उसे फिल करना होता है। तो 6 और 7 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं इसमें। नेक्स्ट जो मॉड्यूल है वो है रीडिंग। ये थोड़ा टफ होता है, इसमें बैंड स्कोर करना इजी नहीं होता। इसमें भी आपको मिल जाते हैं 40 क्वेश्चंस। ये आपको मॉड्यूल जो है 1 आवर का होता है, ये 40 क्वेश्चंस हैं। तो ठीक है, ये टाइम जो है सर्टिफाइड टाइम है, तो उसमें कोई ऐसा नहीं है, इशू नहीं है। 40 मिनट्स हैं, 1 आवर है, सॉरी 40 क्वेश्चंस है, 1 आवर है, एंड आपको मिलते हैं 3 पैसेज होते हैं आपके पास। और ये जो होता है ये लेवल वाइज लेवल होता है, थोड़ा स्टार्टिंग वाला इजी होता है, उससे नीचे वाला हार्ड होता है, एंड सबसे नीचे वाला बहुत हार्ड होता है। तो इसमें भी क्वेश्चन उसी फॉर्म में होते हैं जैसे इसमें होते हैं। एंड द लास्ट पार्ट इज राइटिंग पार्ट। राइटिंग मॉड्यूल भी आपका होता है 1 आवर का, 1 आवर का होता है। इसमें आपके पास 2 क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली। पहला क्वेश्चन जो होता है उसमें आपको लिखने होते हैं टास्क 1 बोलते हैं इसे बेसिकली, 150
वर्ड्स लिखने होते हैं, ये वर्ड लिमिट है। इसे आप एक्सीड भी कर सकते हैं पर कम नहीं होना चाहिए, इससे आपके बैंड के बैंड पर इफेक्ट पड़ेगा। ये बेसिकली होते हैं पाई चार्ट्स, बार ग्राफ, पिक्चर चार्ट्स, लाइन ग्राफ, इस तरीके के ग्राफ्स होते हैं। किसी इशू पे हो सकता है ये, या किसी पर्टिकुलर कंट्री में क्या इफेक्ट्स आया है उनके खाने में, उनके व्हीकल चेंजेस पे, मौसम में, उस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं ये। नेक्स्ट जो होता है सेकंड, टास्क टू जो होता है, ये टास्क वन हो गया। टास्क टू जो होता है उसमें होता है 250 वर्ड्स एंड अगेन दिस इज जो वर्ड लिमिट है कम नहीं हो सकती, ज़्यादा जा सकती है, आप चाहें तो 350 भी लिख सकते हैं। इसके लिए आपके पास होते हैं 14 मिनट्स। ये होते हैं ओपन, ऐसे भी हो सकते हैं, और बेसिक टॉपिक्स होते हैं किसी कंट्री के बारे में कि उस कंट्री में साइकिल चलानी थी, लाइक अ कंट्री हैज़ एक्सीड द अमाउंट ऑफ कार्स एंड दे लेफ्ट यूजिंग बाईसाइकिल्स, सो व्हाट आर योर व्यूज, गिव ओपिनियन एंड व्हाट आर द स्टेप्स नीड टू बी टेकन टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो इस तरीके का क्वेश्चन होता है। सो ऑल एंड ऑल ये पूरा जो पेपर है 3 hours समथिंग का होता है, 3 hours 20 minutes 40 minutes समथिंग का होता है ये। और फीस की बात करें तो जहाँ भी आप जा रहे हैं पेपर देने उसके अकॉर्डिंग फ़ीस होती है, वैसे तो इसकी फ़ीस होती है 12,250 फीस होती है। होटल्स में ये पेपर कंडक्ट करवाए जाते हैं, तो इस पर्टिकुलर टॉपिक पर आईएल्स पे मैं सीरीज़ बनाने वाली हूँ। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं गाइस, मैं स्ट्रीम बाय मॉड्यूल वीडियोस बनाने वाली हूँ, तो कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिएगा गाइस, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू गाइस, बाय।